वेलकम बैक टू माई चैनल कॉमेडी वर्ल्ड एमआर। तो अभी हम शूट करके घर आए और उसके बाद थोड़ा सा पार्लर गए थे शैम्पू करवाने के लिए, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा मतलब स्प्रे वगैरह मारा गया था, तो हमको रात में ठंडा लग रहा है। हम बोला अभी नहाने वाले तो है नहीं हम, तो हम शैम्पू कर लेते हैं। और मेकअप रिमूव नहीं किया था इसलिए ना, क्योंकि जहाँ पे मतलब मेरा घर के बगल में जो पार्लर है ना, वो 8 बजे बंद हो, मतलब आज उसका डेट मतलब टाइम 8 बजे था बंद होने का। हम घर आए, जल्दी से ड्रेस को चेंज किए और पार्लर आ गए थे। फिर शैम्पू वगैरह हो गया। पता है इतना मतलब क्या बताएं, लक होता है। हम आए और शटर बंद हो रहा था। हम बोले दीदी प्लीज़ यार मेरा शैम्पू कर दीजिए। फिर बोले ठीक है। फिर उन्होंने फिर से पार्लर खोल के फिर शैम्पू को मतलब किए। उसके बाद हो गया मेरा काम। अभी कम अभी 9 बज रहा है। बहुत ज़ोरों से भूख लगा और हम ना रोड में अकेले अकेले व्लॉगिंग कर रहे हैं। हमको बहुत शर्म तो लग रहा है, पर मतलब क्या है ना क्या होता है, आदत सा हो गया, तब देख रहा हंस रहा, लेकिन आई डोंट केयर। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ मम्मी के लिए और पापा के लिए खाना लाने, क्योंकि हमको भी थोड़ा बहुत भूख लगा है। और उनको ना हम पिज़्ज़ा खिलाएंगे, पापा को मेरा बहुत पसंद है, तो बगल में एक पिज़्ज़ा दुकान है, पिज़्ज़ा लेंगे फिर घर जाते हैं। और मम्मी को पूछते हैं कि मम्मी आज हमको कैसे लग रहा था। मेकअप रिमूव करके आते लेकिन ना टाइम नहीं था, मतलब 8 बजे बंद होने का टाइम दे दिया था। अच्छा तो मायरा के पास नहीं दिया, तो मायरा गुस्सा होके देखो सॉरी मम्मा और नहीं जाएंगे, इधर आओ। देख रहे हो बात भी नहीं करे, मेरे पास आवे हमको मार मार के मेरा आधा मेकअप उठा दिए। अच्छा सॉरी, प्लीज आ जाओ और नहीं करेंगे। अच्छा सॉरी, देख रहे हो गुस्सा, इतना छोटा सा बच्चा का गुस्सा देख रहे हो आप लोग। आया मोटर का, प्लीज प्लीज मायरा प्लीज आया या प्लीज, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, हम कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे मायरा, प्लीज मम्मा सॉरी सॉरी मैया। छोड़ी मम्मा, मम्मा छोड़ी, सॉरी मम्मा सॉरी, किच्ची दे दो। अच्छा ठीक है, और नहीं हमको चुप करा रही है, मतलब हम रो रहे हैं ना, हमको चुप करा रही है, फिर जाके घुस जा रही है। तो ये लिए तो कहीं लिया, बच्चों ले गई वजह से आराम से रखो। नहीं कर नहीं जा यार, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। मेकअप रिमूव करने का टाइम आ गया, बहुत अब से सोचे कब करेंगे। रोड में मतलब हम जा रहे हैं ना, भूत क्यों बने हुए हैं ये सब, मतलब मेरे मम्मी डर गए। हम मेकअप रिमूव करके ना मम्मी से रिव्यू लेंगे कि मम्मी शायद फर्स्ट टाइम हमको ऐसे लुक में देखे हैं। बहुत लोग जानते हो, जो लोग मेरा मामपीट और राहुल वाला वीडियो ना देखते हो वो लोग जानते ही है।
देखो फिर उसके सो गई। देख अभी गुस्से तोड़े अभी फिर जाके सो गई। जो लोग मेरा वो वाला ब्लॉग देखते हो ना, पुराना फैमिली मेंबर हो, वो लोग जानते ही है कि मेरा बैड सिस्टर के घर बगल में, और ऐसे लोग प्लीज आप लोग डरना नहीं है ना। और आज का आप लोग को जो मामपीट और राहुल में जो ब्लॉग आया और राहुल लॉर्ड वाला जो ब्लॉग आया कैसा लगा कॉमेंट्स में बताना। आज थोड़ा सा अलग ब्लॉग बना है ताकि आप लोग को अच्छा लगे, बाहर जाके शूट किए हैं। शॉर्ट्स भी आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा क्योंकि आज थोड़ा यूनिक टाइप भी शॉर्ट मतलब शॉर्ट्स बनाए हैं, थोड़ा एडिटिंग करने में टाइम लगेगा, है ना। आओ मम्मा सॉरी आमो आमो चली मारा चाहती है ना मारा गुस्सा करे और हम उसका गुस्सा तोड़े। अच्छा ठीक है तुम काटोगी ना हमको, काट लो तब लो हम रोएंगे, काटो। आई लव यू। तू भी बोल। बहुत रोज़ गुस्सा करती बाबा। इसका हालत देखो, चूना मिट्टी सब मेरे मुंह में आज तो पड़ गया है। हम लोग सो के उठ गए माँ बेटी, और मायरा का ब्रेकफास्ट हो गया ना मम्मा। ब्रेकफास्ट तुम ब्लॉगिंग करोगी। मायरा सुबह सुबह अपना दादू साथ बात किया, मायरा का दादू बहुत मिस कर ले मायरा को ना। और आज मम्मी बनाएगी चिंगड़ी मछली का मलाई करी। और हम चिंगड़ी मछली आप लोग तो रेसिपी पहले भी दिखा दी, हम आप लोग को रेसिपी आज रेसिपी नहीं दिखाएंगे, लेकिन मम्मी के साथ मम्मी खाना बनाएगी, मम्मी के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक करेंगे ना। क्या लाए मायरा के लिए दिखाओ, क्या लाए कहनो जाबे। अरे छाड़ो ना माना ना, तुम जावे ना, तुम खाने सो आबार। ये बंगाली मॉम लोगों को ना समझाना बहुत मुश्किल है। देखो इतना इतना मुर्गा मतलब थोड़ा सा ही लाते हैं मम्मी मायरा के लिए, डेली लाती है। अब ये कितना रुपया का होगा, 30 रुपया का होगा। अब 30 रुपया के लिए एक गीला मतलब क्या बताए, मुर्गा का ही एक पीस है वो छूट गया, वो फिर लेने गए। मना कर रहा है कि मन जाए, लेकिन नहीं, वो तो लेना जरूरी है। यही होता है बंगाली मॉम्स, मतलब सब्जी लेने जाओ बिना फुड़ी का धनिया या मिर्चा का घर में नहीं आएंगे। क्या कैसे समझा इन लोगों को। और मेरी मम्मी का आदत थोड़ा बहुत हमको भी है, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ छूट गया तो जाओ लेने, मतलब इतना मतलब। लेकिन मामा प्लीज ना, नो नो नो, मेरा कॉपी करते बोले नो नो नो, मतलब अगर क्या बताए हम, अगर मतलब सब्जी लेने जाए तो हम फ्री में धनिया हम भी लेके आते हैं। अभी सुबह से डायरेक्टली शाम में आ गए हैं और कंटिन्यू व्लॉगिंग नहीं हो पाया क्योंकि मामपीट और राहुल में भी व्लॉग छोड़ना था, तो तब से कंटिन्यू किए। अभी शाम में सोच रहे कि अरे कॉमेडी वर्ल्ड एमर में जो व्लॉगिंग करना बाकी था तो हम छोड़ ही दिए थे उधर। सुबह तक क्या क्या किया है वो तो आप लोगों को देखने को मिल ही गया मामपीट और राहुल में। और अभी इसको देखो क्या कर रही है, क्या पढ़ ली, क्या है वहाँ पे दिखा दो सबको क्या है। और मम्मी का टीवी 2-3 दिन बंद था लेकिन अभी चैनल आ गया, मम्मी अभी टीवी देख रही है अपनी फेवरेट सीरियल। मेरी मम्मी को देख, मेरी मम्मी का मूड ऑफ है, जा ना यहाँ से। मेरी मम्मी का मूड, मेरा मम्मी का तबीयत खराब है। ये देखो मामा, तू हमको बोल मम्मी मम्मी। मेरा माँ को प्यार कर रहा तू, मेरा अरे बबली, मेरा बेटी हमको प्यार कर रहा, हम मेरा माँ को प्यार कर रहा, मेरा बेटी हमको प्यार कर रहा, तेरा बेटी अरे बबली अरे बबली। आप लोग पूछो, आप लोग बोलो कि आंटी देखो देखो ये बाबा हमको देखो छोटी पकड़ के उठा रहे, देख रहे हो, देखो ये कौन सा बात हो गया, मेरा चोटी पकड़ के उठा दिया अब जाके सट गई, वेरी बैड ये, लेकिन सही बात नहीं हुआ।
आप लोग कमेंट करके बताओ, बोलो कि आंटी आप सैड अच्छे नहीं लगते हो। क्या करती है मम्मा? मम्मा ऐसे हंसती है जैसे कर मिमी की बोके चला के। आपको मिमी क्या बोके ऐसे डांटी? ऐसे करके बोली और क्या बोली? ऐसे बोली। तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को अगर हो पाए तो राहुल और मम्पी में भी एक व्लॉग बना लेंगे। अभी हम और मम्मी थोड़ा सा एक जगह जाएंगे एक चीज लेने। मम्मी का थोड़ा मूड ऑफ है, थोड़ा सा हैप्पी हैप्पी हो जाएगा तब। बाहर घर पे हम लोग तब से बैठे हैं ना, घर पे बैठे बैठे तो बोर ही होते हैं। फिर भी हम हैं तो मम्मी मेरे साथ भी थोड़ा बहुत गप मारती है। जब हम चल जाते हैं तब मम्मी तो और बोर हो जाती है। इसको देखो, अभी गिरने वाली थी, सारा दांत टूट जाता था। आप लोग को अच्छा लगा है? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।